इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूँगा। पहले तो नज़र स्वप्निल आ रहे हैं, मशहूर अभिनेता मराठी फिल्म इंडस्ट्री, क्या कहना चाहेंगे प्रोजेक्ट के बारे में और किस तरह का गीत संगीत है और आज नववर्ष है तो नववर्ष में नया काम शुरू करने वाले हैं। जी, सबसे खुशी बात ये है कि आज पहला दिन है साल का और हम इस फिल्म की हिंदी डबिंग हिंदी वर्जन हम लोग कर रहे हैं। मराठी में सुपरहिट पिक्चर है फ्रेंड्स, अब इसका हिंदी वर्जन म्यूजिक जो है वो मैं कर रहा हूँ। मेरे साथ गाने लिख रहे हैं मोती सुल्तानपुरी और इसमें फीमेल पोर्शन जो भी है वो अपना तेजस्विनी इंगले गा रही हैं। और आगामी प्रोजेक्ट के लिए हमारे पाटिल साहब हमारे साथ बैठे हैं और मैं बड़ा खुश हूँ आज के दिन कि हमारा नया काम शुरू हुआ है और हम मतलब प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। बस यही है, बहुत जल्दी ये पिक्चर थिएटर पर नज़र आएगी लोगों को। सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब मराठी में तो अच्छा ठीक है और हिंदी में कर रहे हैं इसको, क्या कोई खास वजह है? बिल्कुल, खास वजह ऐसे कि मराठी में भी बहुत अच्छी फिल्में बन रही है और उसके वर्जन भी मार्केट में आ रहे हैं। अब ये जो हिंदी जो फिल्म है ये मराठी की वर्जन फिल्म है और काफ़ी अच्छा म्यूज़िक हमारे जो दोस्त है और हमारे गुरुस्तानी है वो सावन कुमार सावन जी, इन्होंने काफ़ी अच्छा म्यूज़िक इसको दिया है और तेजस्विनी जी ने काफ़ी अच्छी आवाज़ है उनकी और अच्छी आवाज़ उन्होंने इस गानों को दी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने आगे चल के मतलब लोग गुनगुनाएंगे और हिट होंगे। मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ इनके ये प्रोजेक्ट के लिए नए साल के पहले दिन में। जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, आपने काफ़ी सारे गाने गाए हैं और ये भी काफ़ी स्पेशल गाना होगा, किस तरह का गाना है, क्या सिचुएशन है और कितने साइड गाने को लेकर? जी, ये मराठी जो फ्रेंड्स मूवी आई थी हार्डली 4-5 मंथ्स पहले, तो उसमें से ये कुछ गाने हैं, तो उसमें से जो फीमेल पार्ट्स के जो गाने हैं जो मराठी में पाखरू करके पाखरा रे ये जो गाना था वो हिंदी में हमने सावरो रे ऐसे उसके शब्द हैं जो मोदी जी ने लिखे हुए हैं और सावन जी ने अच्छी तरह से इसको म्यूज़िक डायरेक्ट किया है, मेरे से करवा लिया है, तो ये बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है। तो जो गाने में मुझे बहुत अच्छा लगा, मराठी गाना तो बहुत फेमस है इसका और आई होप कि ये हिंदी वर्जन भी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा एक सॉन्ग है जो अभी फोक जैसा है थोड़ा सा, आवाज़ ना आए, टूटे जब कोई अपना, ऐसे उसका हिंदी वर्जन अभी लिखा गया है, तो वो भी सॉन्ग बहुत ही गाने में अभी बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट था मेरे लिए बहुत गाना ये गाना। तो दोनों सॉन्ग्स डिफरेंट है, डिफरेंट फ्लेवर्स के हैं और दोनों गाने की मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी मराठी का हिंदी वर्जन सॉन्ग्स ऑल्सो। तो वहली, इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम करना है, नववर्ष है तो काफ़ी उत्साहित होंगे, आगे जो काम करो उसके बताइए क्या करते हैं? जी, एक्चुअली मैंने सावन जी के साथ लास्ट ईयर भी अराउंड 14-15 सॉन्ग्स में मैंने गाया है, उसमें से कोई एल्बम्स के लिए थे, कोई यूट्यूब्स के लिए थे और एक रिसेंटली अभी गाया जो अपने मोहम्मद अजीज़ जी जिनका अनएक्सपेक्टेड देहांत हुआ, तो उनके मेमोरी में एक सॉन्ग अभी अगम निगम जी ने गाया था, तो उसमें कुछ थोड़ा सा मेरा छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन था गाने में, तो जो गाने का मुझे मौका मिला। और अभी जितने भी ये साल में जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा हो और बस मुझे गाने का मौका मिले। मैम, चाहेंगे आप प्रोजेक्ट के बारे में और कितने उत्साहित हैं? नहीं, एक्चुअली जो मराठी फिल्म की जो फ्रेंड्स थी तो उन्होंने इसका हिंदी वर्जन किया, लेकिन जो मराठी में जो तांडव नृत्य रहते वो हिंदी में तांडव नृत्य का गाना एक्चुअली बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हमारे मैम ने उसके बहुत ही खूबसूरती से उसको भाई किया है। तो ये हमारी मैम है, एक्चुअली हम लोग इसके क्लास में जाते हैं, अटेंड करते हैं इनके क्लास, बहुत ही अच्छा सिखाती है वो, तो क्लास में भी तो मशहूर है ही हमारे लिए, गुरुस्तानी है वो हमारे, लेकिन आज फर्स्ट टाइम उनको देखा इसे एक्चुअली लाइव करते हैं, तो सिखाती भी बहुत अच्छा है और बातें भी बहुत अच्छा करती है और उनका नेचर एक्चुअली बहुत ही अच्छा है, जैसे वो दिखते हैं वैसे उनका खूबसूरत नेचर भी अच्छा है। थैंक यू। तो आज भी गए हैं सर, जाना चाहूँगा कि मशहूर अभिनेता कादर खान का निधन हो गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद घड़ी है ये इंडस्ट्री के लिए, बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा बोले तो यार, मैं बोलता हूँ कि ऐसा डायलॉग राइटर और ऐसा एक्टिंग प्ले और ऐसा एक्टर इंडस्ट्री में कभी कभी आते हैं ऐसे लोग, और बड़ा दुख की बात है कि आज उनका सुनने को मिला है ध्यान चाहिए, वो कभी कभी पूरी नहीं होगी। कादर खान साहब एक बहुत ज़बरदस्त फनकार थे और हर काम उन्होंने बाखूबी निभाया, विलन का हो या हास्य अभिनेता का हो, बाप का करेक्टर हो या किसी भी तरह का करेक्टर, उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से निभाया है और
इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। टीवी पे न्यूज़ देखने को मिली कि कादर खान जी का आई थिंक कैनेडा में निधन हुआ आज सुबह। सो बहुत ही दुखद घटना है इंडस्ट्री के लिए। और जैसे ये पुराने जितने आर्टिस्ट हैं तो इन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन दिया है अब तक हिंदी इंडस्ट्री में, तो उसका तो कोई मतलब हम लोग तो अभी की जनरेशन के हैं तो जितना हमारा एक्सपीरियंस भी नहीं है या हमारी उम्र भी नहीं है इतना काम ये लोगों ने इंडस्ट्री में किया हुआ है। तो हम सबकी तरफ से मैं बस यही चाहूँगी कि उनके उनके लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि और रेस्ट हिज सोल इन पीस बस यही मैं कहना चाहूँगी। मोदी जानना चाहूँगा इस गाने के बारे में किस तरह के बोल हैं और कितने उत्साहित हैं, नव वर्ष में एक नया कार्य कर रहे हैं। उत्साहित तो इतने हैं कि हम बयां भी नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द है ही नहीं है इसके लिए। और बेहद काफ़ी खुशी हुई, सावंत सर का फ़ोन आया कि नहीं आज ही रिकॉर्डिंग करना है, तो मैंने बोला कि सर अपन कल करते हैं। नहीं नहीं आज ही करना है, तो मैं बोला कि ठीक है हम पहुँचते हैं। और बहुत ही अच्छा है, एक सैड सॉन्ग है तांडो, जिस तरह से इसमें किसी का जब दिल टूटता है तो उस तरह का सॉन्ग और एक अच्छा खासा रोमांटिक प्यासा है। तो सर ने बोला तो हम बोले कि चलो अच्छा सर, नए साल में आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों की दुआएं हैं, तो हम लोग आज ही रिकॉर्ड करते हैं। तो वैशाली जी ने गाना गाया है और सर का संगीत से क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा कमाल मचाया गया आएगा। तो साउंड सर की म्यूज़िक का तो जितनी व्याख्या कर रहे हैं उतना ही कम है, क्योंकि मैं 2013 से साउंड सर के साथ में काम कर रहा हूँ। और इन्होंने साई योगीराज किया प्रोजेक्ट, बहुत ही अच्छा पॉपुलर हुआ टी सीरीज पे। उसके बाद कई सारी मूवी और अगम कुमार निगम सर के साथ भी मैंने साउंड सर ने काफ़ी काम किया, तो इनकी म्यूज़िक का तो माशाल्लाह क्या बोलूं। और इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, कौन से गाने लिख रहे हैं और कौन से प्रोजेक्ट हैं सर अभी हैं और आने वाले समय में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बस आप लोगों की दुआएं होनी चाहिए। और मैडम ने बहुत ही अच्छा उसने आवाज़ दिया, काफ़ी अच्छा लगा। और ये बड़ा टफ सॉन्ग था, हाई स्पीड जिस तरह म्यूजिक थी उसे रिकॉर्डिंग इन्होंने अच्छा फिर हो या सब लोगों को साथ साथ में आवाज़ अच्छी। क्या कैसा अनुभव था इस प्रोजेक्ट में गाने गाने का वैशाली जी के साथ और सर के साथ जिन्होंने मुझे दिया? सबसे पहले तो नए साल की सबको शुभकामनाएं। सावन कुमार साहब के साथ मेरा पहला ही प्रोजेक्ट है, इन्होंने मुझे आज याद किया बड़े दिनों के बाद, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ काम करने के लिए। ये मराठी मूवी है, बहुत हिट हुई है फ्रेंड्स, इसमें मुझे बताया गया कि इसका एक हिंदी वर्जन बन रहा है और उसने ही मुझे एक रोमांटिक गाना गाने के लिए याद किया है इन्होंने, बड़ी खुशी हुई इसके लिए। तो क्या कहना चाहेंगे कि मराठी मूवी में जो संगीत वक्त होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत 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 आजकल मराठी का बहुत क्रेज़ हो गया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मराठी में। तो आप इतने उत्साहित महसूस कर रहे हैं, कितने गर्व महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। और इसके अलावा कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके बारे में? मैंने हिंदी मूवीज़ में किया है, एक इंटरनेशनल मूवी थी गंगोर, उसमें मैंने एक गाना गाया था। भिंडी बाजार एक मूवी आई थी उसमें मेरा एक गाना था। अभी हसीना एक मूवी आई थी उसमें एक मेरा गाना था। और काफ़ी सिंगल्स भी आ रहे हैं अभी, बड़े प्रोजेक्ट अभी इंतज़ार है नए साल के साथ साथ, काफ़ी कुछ किया है।